बाबा केदार की यात्रा जैसे ही शुरू हुई वैसे ही गिफ्टों की बौछार होने शुरू हो गई है और बड़ी दूर सात समंदर पार बड़ी दूर से आए हैं। स्वीडन में रहते हैं सर और सर अभी आए हैं केदारनाथ में और कुछ टाइम पहले बहुत टाइम पहले से वीडियो देख रहे थे और सर से, सर मेरे लिए ये टॉर्च लेकर आए हैं हेडलाइट और पहला गिफ्ट केदारनाथ यात्रा का शुरू हो गया है सर के हाथों के द्वारा। सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर और इसी प्रकार से आपका सहयोग बना रहे ऑल द लाइफ और सर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इससे पहले। सर के पास भी तिरंगे वाली टोपी और मेरे पास भी तिरंगे वाली टोपी है और बहुत अच्छा लगा सर आपकी टोपी में भी ये तिरंगा फ्लैग है, थोड़ी नकल कर ली मैंने आपकी। बहुत सारा गिफ्ट भी मेरे को मिल गया, बहुत बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राय सिंह तिंदोरी। दोस्तों केदारनाथ यात्रा आज 10 मई से शुरू हो गई है। बाबा केदार के कपाट सुबह 7 बजे विधि विधान के हिसाब से श्री केदारनाथ धाम में खोल दिए गए हैं और श्रद्धालुओं की संख्या है वो पहले 8-9 तारीख से ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और आप इसी का ये ट्रेलर देख सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ सोनप्रयाग की जो मल्टी कार पार्किंग है और मल्टी कार पार्किंग का जो सबसे टॉप का टेरिस है वहाँ पर भी गाड़ियों से पूरा भरा पड़ा हुआ है और सब जगह जो पार्किंग हैं, सीतापुर की पार्किंग हो गया, सोनप्रयाग की पार्किंग हो गया, गाड़ियों से फुल भरी पड़ी हुई है और श्रद्धालु पिछले साल के मुकाबले इस बार बहुत अधिक मात्रा में केदारनाथ पहुंच रहे हैं और मौसम आप देख सकते हैं एकदम आज लाजवाब बना हुआ है। जैसे ही बाबा केदार के कपाट खुले, जैसे पिछले कल तक तो मौसम सुबह से ही बहुत टर्न ले रहा था, तभी हवाएं चल रही थी, तभी बार बार बारिश हो रही थी, ओले गिर रहे थे, मगर आज आप देख सकते हैं मौसम एकदम लाजवाब शानदार बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी चेतावनी दी जा रही थी कि 10 तारीख को यात्रा रोक दी जाएगी और जो यहाँ के हक हकूकदारी हैं और केदारनाथ में जो पुरोहित समाज है सब ने ये फैसला किया था, मगर उसका अभी तक आज यात्रा पे कोई विशेष असर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दिन तक एकदम सोनप्रयाग और सीतापुर के बीच से जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रही है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सोनप्रयाग की जो मल्टी कार पार्किंग है और यहाँ पे कारों की संख्या आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा और सब जगह कार लगी हुई है यहाँ पे और यहाँ से नीचे ऊपर 3-4 टेरिसें बनी हुई हैं और सब जगह ये देखिए गाड़ियों की जो भीड़ है और ऊपर तिरजुगी नारायण वाली सड़क पर भी आप देख सकते हैं ऊपर तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और ये देखिए बाइकों की भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, बाइक से आ रहे हैं लोग, अपनी कारों से आ रहे हैं, इससे भी और अधिक बाइकें इसके नीचे खड़ी हो रखी हैं और यहाँ देखिए। और इस बार जो सड़क पे प्रशासन ने काफ़ी चुस्ती और फुर्ती के साथ इस बार जो यातायात है उसको कंट्रोल किया है और पिछले साल के मुकाबले आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि सोनप्रयाग में जो अभी व्यवस्थाएं हैं वो इस हिसाब से चल रही हैं। सड़क पे इस बार ज़्यादा जाम की स्थिति अभी तक नहीं बन रही है, जो शुरुआती 3-4 दिन है। टेरिस के ऊपर में यहाँ पे चाय पानी पीने के लिए भी बढ़िया सा बनाया गया है और सब सारी व्यवस्थाएं इस बार इस पार्किंग में देखने को अच्छे से मिल रही हैं। पानी की व्यवस्थाएं भी टंकी लगाई हुई है और जो भी पिछले साल के मुकाबले देर आए दुरुस्त आए मगर सही आए और लोग देश के कोने कोने से देश विदेश से शुरुआत से ही बाबा के दर्शनों के लिए इतने ज़्यादा भक्त अभी उमड़ रहे हैं श्री केदारनाथ यात्रा के लिए। लग रहा है इस बार जो रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन इस बार हो रहे हैं और शायद इस बार पिछले साल के मुकाबले अधिक और ज़्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुँचेंगे। मौसम आज काफ़ी सुहावना हो रखा है, हालाँकि जो इधर का वातावरण है उसमें थोड़ा सा धुआं छाया हुआ है और ये धुआं उत्तराखंड के जंगलों में धधक धधक कर आग लग रही है तो इस वजह से इसका असर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ आए होंगे ये लोग कुछ काम धंधा करने के लिए वगैरह, बेचने बूझने माला वगैरह बेचने बूझने के लिए इनके बीच में भी कुछ कहा सुनी हो रही है यहाँ पे जगह रहने के लिए। जब लोग आ जाते हैं रहने के लिए नहीं होता है कहीं पे और ऐसी जगहों पे लगाना पड़ता है। यहाँ देखिए ये लोग भी बहुत दूर से यहाँ पे कमाने के लिए आए होंगे और इनको भी अपनी जगह के चक्कर में कुछ कहा सुनी हो रही है।
तो देखिए शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और हमेशा की तरह छठवें साल से यहाँ पे भंडारा लगाया जा रहा है भक्तों के द्वारा, और पूछते हैं सर लोगों से कब से यह शुरू हुआ, कितने दिन तक चलेगा। जी सर बोलिए। छह साल पहले भंडारा शुरू हुआ था, छठा विशाल भंडारा है। जी सर। शिव भक्तों के लिए सोन प्रयाग पार्किंग में। हाँ जी। और ये दिल्ली वालों का, राजौरी गार्डन वालों का भंडारा है। जी। और ये हमारा भंडारा अमरनाथ भी लगता है। अमरनाथ में भी लगता है। 26वां भंडारा लगेगा आपके साल। अच्छा, 26वां लगेगा 2024 में। जी सर। हाँ, बोले कृपा से आप देखो सभी आइटमें हैं, पूरी है, सब्जी है, उपमा है। मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा में भी वहाँ भंडारा लगाया था जी, 40 दिन के लिए जी, सभी राम भक्तों के लिए जी। और अभी यहाँ लगा है, ये हर साल यही लगाते हैं। दोस्तों सोनप्रयाग बाजार में इस बार जो भीड़ भड़ाका है उसकी स्थिति पे काफी काबू किया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो सामने पे, यहाँ पे पंजीकरण चेक वगैरह किया जाता है। पिछले कल तक तो यहाँ पे सारे नेपाली लोगों के लाइसेंस बन रहे थे। चारधाम यात्रा 2024 के लिए जो यात्रियों को जरूरी सुझाव हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, और चारधाम के बारे में जितनी भी गाइडलाइन है ये आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, और इस हिसाब से अपने प्लान चारधाम यात्रा के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी करी गई है वो इस पे आप देख सकते हैं, पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है यात्रा में आवश्यक चीज़ें क्या क्या होती हैं, कैसे यात्रा करें और किस स्थिति में यात्रा करनी चाहिए, यात्रा मार्गों पे कैसा, पैदल यात्रा मार्ग पे कैसा चलना चाहिए, क्या क्या कुछ करना चाहिए, ये सब कुछ इस पे दिया गया है। तो आप इसको बारीकी से जरूर पढ़िएगा और इसको फॉलो करते हुए चारधाम यात्रा के लिए निकलिए। श्री केदारनाथ यात्रा के लिए घोड़े खच्चरों की जो निर्धारित दरें हैं वो भी तय हो गई हैं 2024 की। आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको पॉज करके देख सकते हैं, और सारे रेट कहाँ कहाँ से कितना है, सोनप्रयाग से, केदारनाथ सोनप्रयाग से, गौरीकुंड से, और बेस कैंप सब जगह जो भी रेट है, जहाँ जहाँ के जितना भी स्टेशन है वहाँ वहाँ के लिए यहाँ से जो रेट है वो आ गए हैं। तो आप इन रेटों को देख करके घोड़े खच्चरों को तय कर सकते हैं यहाँ से केदारनाथ जाने के लिए। तो देखिए दोस्तों गौरीकुंड जाते जाते भयंकर जाम वाली स्थिति लगभग सोनप्रयाग के 2 किलोमीटर आगे आने के बाद मुनकटिया से शुरू हो गई, और बीच में अभी देख सकते हैं आप मेरे पीछे घोड़े खच्चरों की जो लाइन आजकल केदारनाथ के लिए जा रही है, घोड़े खच्चर और गाड़ियों की जो भीड़ है उतने तो यहाँ पे आदमी भी नहीं है, इतने ज़्यादा मात्रा में घोड़े खच्चर और गाड़ियाँ ही हर जगह हैं, और बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो सुबह के टाइम पे केदारनाथ गए हुए हैं, और अभी आगे गौरीकुंड तक का पूरा हालचाल दिखा देता हूँ मैं, कितनी भीड़ है गौरीकुंड में। यहाँ देख सकते हैं आप इतनी ज़्यादा गाड़ियों की जो लाइन है वो बराबर गौरीकुंड से, और ये वाला रास्ता बहुत कंजस्टेड हो जाता है, तो काफ़ी मुश्किल ऐसी जगहों पर आ जाती हैं जब यात्रा शुरू होती है, और घोड़े खच्चर भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं, शुरुआत में ही बढ़ रही है यात्रा, तो इस वजह से काफ़ी भीड़ भड़ाका बढ़ गया है और चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी से। तो देखिए दोस्तों जो शटल सेवा की गाड़ियां हैं वो ठीक सामने तक आती हैं, और यहां पे जो नई पार्किंग है वो भी बन रही है अभी, और उसका भी निर्माण चल रहा है, मगर इस बार जो प्रशासन ने यहां पे शटल सेवा की सभी गाड़ियों को एक ही बार यहां गौरीकुंड तक नहीं भेजा जा रहा है, इनको बीच रास्ते में एक बार रोका जा रहा है, फिर जाके फिक्स करके इनको 15-20 गाड़ियां करके भेजा जा रहा है, इससे यहां पे जो जाम की स्थिति से संतुलन बन रहा है, और घोड़े खच्चरों के लिए अब दूसरा रास्ता बन गया है, हालांकि बहुत इक्के दुक्के घोड़े खच्चर अब गौरीकुंड होते जाते हैं, नहीं तो इससे 1 किलोमीटर पीछे से ही एक रास्ता घोड़े खच्चरों वाला है, तो वहां से ही घोड़े खच्चर निकल जाते हैं, और जो इस बार
भीड़ की स्थिति है उसमें थोड़ा काबू यहाँ पे हो सकता है अगर इसी प्रकार से व्यवस्थाएं यहाँ पे आगे जारी रही। पिछले 5 दिनों में यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी सुधर चुकी हैं। 5 दिन पहले तक जो व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी लड़खड़ाई हुई थी, मगर अभी व्यवस्थाएं काफ़ी अति शीघ्र से शीघ्र यहाँ पे सुचारू रूप से शुरू हो रही है। और आप देख सकते हैं जो शटल सेवा की गाड़ियाँ हैं वो भी बराबर अपना फेरा लगा ही रही है। और मुश्किलें सोनप्रयाग में और गौरीकुंड सोनप्रयाग और सीतापुर में थोड़ा हो रही है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक गाड़ियों को रोका जा रहा है। और सोनप्रयाग सीतापुर की जो पार्किंगें हैं वो भी एकदम फुल हो चुकी हैं। तो दोस्तों आज के इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय बाबा केदार।